हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। स्वागत करता हूं ट्रेडिंग थेरेपी के अंदर। वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं टी प्लस जीरो सेटलमेंट क्या होती है, टी प्लस जीरो सेटलमेंट इसका क्या बदलाव आएगा और आने वाला वक्त में मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है, आप सारे लोगों को क्या फायदा होने वाली है, रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाली है और साथ में जो ब्रोकर से उन लोगों को क्या फायदा होने वाली है, क्या बदलाव होने वाली है, बहुत डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, अभी के डेट में टी प्लस जीरो सेटलमेंट और इंस्टेंट सेटलमेंट लागू का प्लान चल रही है। अभी के डेट में मार्च 2024 के अंदर टी प्लस जीरो सेटलमेंट लागू कर दिया जाएगा और 1 साल के बाद इंस्टेंट सेटलमेंट लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है और किसने कंफर्म करी है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सेबी का चेयरपर्सन है माधवी पुरी, जो अभी के डेट में पूरी तरीके से उन्होंने बताया है कि अभी जो टी प्लस जीरो का सेटलमेंट का जो रोड मैप है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और मार्च 2024 में टी प्लस जीरो सेटलमेंट लागू का फुल प्लानिंग अभी के डेट में चल रही है। तो एज यूजल मार्च 2024 में आपका इंस्टेंट सेटलमेंट लागू हो जाएगा। थोड़ा सा इतिहास समझते हैं और इतिहास समझने से पहले हम लोग ट्रेड सेटलमेंट को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं भी स्टॉक के अंदर अगर आपने बाई या फिर अगर आपने सेल करते हो तो आपको ये बात पता होगा कि बाई सेल के बीच में कुछ बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे आपने बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर्स यानी कि डीमेट अकाउंट, आपका बहुत सारा जो डिपोजिटरी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं, सारी जगह आपका लिस्टिंग करना होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ टाइम लग जाती है और इसी टाइम डिफरेंस को बोला जाता है ट्रेड सेटलमेंट। यानी कि जो आपने मान लीजिए आज के डेट में अगर आपने कोई स्टॉक को बाई या सेल किया है तो जितना समय लगता है उस टाइम को हम लोग ट्रेड को सेटलमेंट बोलते हैं। अगर सिंपल वे में बोले तो अगर कोई इंसान बोल रहा है टी प्लस जीरो सेटलमेंट तो ये बोल रहा है कि आज के डेट में ही वो, यानी कि आज आपने ट्रेड करा, आज के डेट में ही आपका सेटल डाउन कर दिया जाएगा। या फिर कोई इंसान बोल रहा है टी प्लस वन सेटलमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आज आपने ट्रेडिंग करा, इसके बाद अगले जो दिन होगा यानी कि अगली वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे के अंदर आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब, अगर आपको इंसान बोल रहा है टी प्लस टू सेटलमेंट तो सेम चीज़ है, ट्रेड प्लस दो वर्किंग डे लगेंगे। कोई बोल रहा है टी प्लस थ्री सेटलमेंट तो ये सेम चीज़ें या सेम सिनारियों के थ्रू आपका ये काम करती है। दोस्तों, 1992 का दिन आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास आप पढ़ेंगे तो हमारी जो ट्रेड सेटलमेंट बहुत आसान नहीं थी। बहुत सारा लोग ऐसे हुआ करते थे जो ट्रेड आज के डेट में बाई या सेल किए, जाते जाते उनका बहुत सारा 30-40% शेयर गिर जाया करते थे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन एनएसई और स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी के आने के बाद बहुत हद तक सुधरी है और उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंजिंग आया है। यहाँ पर 2003 से पहले अभी तक डेटा के अनुसार टी प्लस थ्री सेटलमेंट लागू थी, यानी कि उससे पहले आपने ट्रेड आपने करा तो 3 दिन के अंदर सेटल डाउन कर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मार्केट के अंदर बहुत सारा सिनारियो चेंज हुआ और 2003 के बाद मार्केट के अंदर ट्रेड प्लस टू सेटलमेंट लागू कर दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ा मतलब इंस्टेंट डिसीजन था। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड लेवल पर या इंटरनेशनली लेवल पर अगर आपको ले जाना है तो आपको सेटलमेंट को आपको फास्ट करना पड़ेगा और यह सेटलमेंट और यह डिसीजन सेबी का स्टॉक मार्केट को बहुत आगे ले गया। इसके बाद धीरे धीरे समय लग गए टी प्लस टू सेटलमेंट में लगभग लगभग 20 ईयर और 20 ईयर के बाद 27 जनवरी 2023 के अंदर ये फिर से वापस कन्फर्म कर दी गई टी प्लस वन सेटलमेंट। अभी कुछ महीना पहले ही आपका टी प्लस वन सेटलमेंट लागू करी गई थी और अभी के डेट में प्लानिंग चल रही है आपका टी प्लस जीरो सेटलमेंट का। अब इसका क्या मायने होता है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहला समझिए, ट्रेड प्लस जीरो सेटलमेंट का मतलब हुआ कि आज के डेट में आपने ट्रेड किया और आज के डेट में ही सेटलमेंट कर दिया। लेकिन अगर कोई बोल रहा है इंस्टेंट सेटलमेंट, इंस्टेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कि अभी आपने क्लिक करा बाई पर और कुछ ही मिनटों के अंदर आपका ट्रेड के अंदर आपका बैलेंस आ जाएगा, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। तो अभी के डेट में जो सेबी जो है ना कंफर्म करी है कि जो मार्च 2024 के अंदर आपका ये टी प्लस जीरो सेटलमेंट लागू कर दिया जाएगा और इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम ली है और अप्रोक्स बोला जा रहा है कि एक सेटलमेंट लागू करने के बाद 1 साल के बाद इंस्टेंट सेटलमेंट भी लागू कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा संभावनाएं हैं कि 2025 तक हमारी स्टॉक मार्केट वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाली है। दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि इससे क्या बदलाव आएगा और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या बहुत सारा चीज़ें बदल जाने वाली है। तो सबसे पहला चीज़ है ट्रांजेक्शन। दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में आप अगर टी प्लस वन सेटलमेंट लागू करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने आज ट्रेड करा तो 1 दिन के बाद सेटल डाउन करी जाएगी, 1 वर्किंग डे के बाद। अगर टी प्लस वन जीरो सेटलमेंट लागू हो जाएगा तो इससे ट्रेड सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे आपका ट्रांजेक्शन फास्ट होने वाली है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
अभी अगर डेटा के अनुसार बोला जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो भी होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको फंड लगाना है, अगर आपने डिपॉजिट करा और आपको लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए T+2 डेज आपका लग जाता है, यानी कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 2 वर्किंग डे में आपके डीमेट अकाउंट में वो शो कर देगा कि आपने 500 रुपया 1000 रुपया जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना NAV आपको मिला है, या फिर आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, या कितना रिटर्न आपका होने लगा, ये सारी चीज़ T+2 डेज में कर दिया जाता है। लेकिन जब T+0 सेटलमेंट जब ये लागू हो जाएगा तो इसमें भी ये चेंजिंग आएगा कि अभी के डेट में T+1 सेटलमेंट में, यानी कि एक दिन पहले बढ़ जाएगा यहाँ पर, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ में आपको बता दूं, कोई इंसान अगर मान लीजिए विड्रो करता है, कोई म्यूचुअल फंड से निकालना चाहता अपने फंड को, तो अप्रॉक्स T+2 डेज लग जाता है। आज विड्रो करो, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन जैसे ये चीज़ें होंगे तो T+1 सेटलमेंट, यानी कि आज आपने ट्रेड करा, आज आपने विड्रो करा, तो अगले 1 दिन के अंदर आपका सेटल डाउन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाने वाली है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है लिक्विडिटी। दोस्तों जब आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो बायर सेलर बहुत ज़्यादा शेयर को बाई सेल करना लगेंगे, तो आप सारे लोगों को पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों चौथा नंबर पर है फंड ट्रांजेक्शन। दोस्तों जब आप ट्रेड को सेटल करते हो, जब कोई शेयर को सेल करते हो और आप चाहते हो कि अपने जो आपका अमाउंट है उसको अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना, तो आपको पता होना चाहिए कि सेम डे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या लगता है कि आपको 1 दिन और रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि T+1 सेटलमेंट लग जाती है, तो करीब करीब 1 दिन और लग जाती है, यानी कि आज आपने ट्रेड को सेल करा है तो आज आपने कभी भी ट्रांजेक्शन को बोल सकते हैं वाइंड अप, या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों T+0 सेटलमेंट लागू हो जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो है ना T+0 सेटलमेंट, यानी कि सेम डे के अंदर ही अपने डीमैट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम साइलो को अगर T+0 सेटलमेंट लागू कर दिया जाएगा तो इससे हमें इंटरनेशनली मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी भी T+3 सेटलमेंट में ही लगे हुई है, यानी कि अभी तक वो T+2 सेटलमेंट में नहीं आ पाई है, तो हमारी मार्केट अगर T+0 सेटलमेंट लागू कर देती है तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट सेटलमेंट कर देंगे, जिससे जितना भी FII और DII इन्वेस्टर जितने भी मार्केट के अंदर होते हैं वो ज़्यादा हमारे देश के अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। एज वी नो डेट, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट का एक सबसे इमर्जिंग मार्केट है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट हर जो FII और DII का फेवरेट जगह कुछ सालों से बनी हुई है, और आने वाला वक्त में भी यह चीज़ें बनी रहेगी, क्योंकि इससे आपका ट्रेड सेटलमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है यहाँ पर। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि अभी कौन कौन सा ऐसे कंट्री और भी है जो भारत के जैसा ही आज के रेट में T+0 सेटलमेंट लागू करती है, या फिर अभी कौन कौन से चीज़ें सेटलमेंट कर रही है, तो कुछ कंट्रियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंडिया सेकेंड कंट्री आपको बन जाएगी जो T+0 सेटलमेंट लागू करेगी। इससे पहले चाइना ऑलरेडी T+0 सेटलमेंट लागू कर चुकी है। इसके अलावे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंट्री T+2 सेटलमेंट में ही आज के डेट में फंसी हुई है। अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका के अंदर T+3 सेटलमेंट लागू है। वहीं पर अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना के बहुत सारा ऐसे बोल सकते हैं ट्रेड जो है ना T+2 पे करी जाती है, एक्सचेंजेज करती है। कुछ ऐसे एक्सचेंजेज जो T+1 करती है, कुछ ऐसे एक्सचेंजेज भी हैं जो आज के डेट में T+0 सेटलमेंट लागू कर दी है। वहीं पर अगर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की बात किया जाए तो वहां पर भी T+2 सेटलमेंट लागू है। वहीं पर अगर आप देखोगे जापानीज स्टॉक एक्सचेंजेस, तो जापानीज स्टॉक एक्सचेंज भी T+2 सेटलमेंट लागू करती है। तो एज यूजुअल बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस या बड़ी जो स्टॉक मार्केट है कंट्री का, तो सारी के सारी जो कंट्री है आज के डेट में T+2 सेटलमेंट या फिर T+3 सेटलमेंट आज भी लागू करती है। तो हमारी देश अगर T+0 सेटलमेंट लागू कर देगी तो इससे हम वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा अभी के डेट में एडवांस होने वाले हैं, बहुत फास्ट होने वाले हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा। दोस्तों जब कोई बड़ी काम आप करने जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो अभी के डेट में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स है जो T+2 सेटलमेंट लागू करने में आएगी। उसी के अनुसार अगर बोला जाए तो FII और बड़े जो FDI इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ राय ली गई थी कि क्या T+0 सेटलमेंट लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अपना राय दे सकते हैं। तो मैक्सिमम टर्म्स में बोला जाए तो कोई भी ऐसा राय अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ एजेंसी है जो FII है, जो भारत के बाहर का बड़ी एजेंसी है, उन्होंने अभी बताया है कि फिगमेंटेशंस जो सिस्टम है ना वो पैदा होने का चांसेस था। अब फिगमेंटेशंस होता क्या है, देखो जो डेटा का बोल सकते हैं ना, डेटा या स्टोरिंग, इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग, ये सारा चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे अगर सेबी इतनी बड़ी प्रोसेसिंग, इतनी बड़ी तैयारी करी हुई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस जरूर कर ली होगी। तो हमारे में से T+0 सेटलमेंट हमारे स्टॉक मार्केट का काया पलट सकती है, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ये लेकर आ सकती है। देखने वाला बात होगा कि इससे क्या चेंजिंग आने वाला वक्त में होने वाली है।
अगर दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप अपना भी राय बता सकते हो, क्या ये टी प्लस जीरो सेटलमेंट सही है, क्या हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारा चेंज आने वाली है या नहीं। हमारे में से वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर ये वीडियो समझ में आई है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे हम सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।